स्वतंत्रता दिवस से पूर्व लोगों को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई और सिंगरौली में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सिंगरौली में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, महापौर रानी अग्रवाल, कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी निवेदिता गुप्ता, नगर निगम कमिश्नर दया किशन शर्मा सहित कई पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। यात्रा राजमाता चुन कुमारी स्टेडियम से शुरू होकर अलग अलग मार्ग से होती हुई वापस स्टेडियम पर आकर समाप्त हुई। यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर लोगों का हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा फहराने के लिए जागरूकता का था। सिंगरौली नगर निगम में तिरंगा यात्रा का आज प्रारंभ हुआ, क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है और इस देश के लिए हम लोग ने पूरे जितने भी हमारे सभी भाई बंधु हो उनको ये संदेश दिया है कि आप सब अपने घर में तिरंगा लगाएं, ताकि हम सब जो आज़ादी का जीवन, जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, इसलिए हम सबको अपने हर घर में तिरंगा लगाना है और 15 अगस्त का जो आने वाला समय है हम सबको उत्सव पूर्वक मनाना है। अभी 15 अगस्त तक पूरे मध्य प्रदेश में जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में सिंगरौली नगर में भी आज जिला प्रशासन के द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह तिरंगा रैली चुन कुमारी स्टेडियम से प्रारंभ होकर के कोर्ट तिराहे से होते हुए अंबेडकर चौक से होकर के समापन पुनः चुन कुमारी स्टेडियम में हुआ है, जिसमें हजारों शासकीय कर्मचारियों, स्कूली बच्चों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसमें सहभागिता दी गई है तथा ये तिरंगा यात्रा अनवरत भी जारी रहेगी। तिरंगा सम्मान में पूरे देश में जो घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उस अभियान में जिला प्रशासन सिंगरौली भी शामिल है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।